पश्चिम एशिया में जारी दो बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इसराइल एक साथ हिजबुल्ला और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। कई विश्लेषक और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो और देश भी संघर्ष में उलझ सकते हैं और यह संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वो ज़्यादा उम्मीद नहीं बांधते हैं। लेबनान में इसराइल के हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्ला के साथ संघर्ष में भी इसराइल वही भाषा बोल रहा है जो हमास के साथ लड़ाई में बोलता रहा है। इस बार भी उसका कहना है कि हिजबुल्ला के खात्मे तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि करीब साल भर के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वह गाजा में हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। यहूदी राष्ट्र ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वो लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्ला और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की थी। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए यूएन चीफ एंटोनियो ग्यूटेरेस ने संकट के क्षेत्रीय रूप धारण कर लेने के खिलाफ आगाह किया था। उन्होंने कहा कि लेबनान में आफत का तूफान मचा है। इसराइल और लेबनान को अलग करने वाली सीमा रेखा ब्लू लाइन पर गोलीबारी हो रही है जिसका दायरा और तीव्रता बढ़ती ही जा रही है। आखिर संघर्ष के बड़े स्तर पर फैल जाने का खतरा क्यों बना हुआ है? इसे समझाने के लिए हमें मध्य पूर्व देश की राजनीतिक पेचीदगियों को समझना होगा। इसराइल और अरब देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं जिसके चलते यह क्षेत्र कई युद्धों को झेल चुका है। फिर यहूदी राष्ट्र हिजबुल्ला और हमास के साथ उलझा हुआ है। इन दोनों को ईरान का खुला समर्थन हासिल है। विशेषकर हिजबुल्ला की स्थापना ईरान का अहम रोल रहा। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्ला लेबनान आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है और उसके शक्तिशाली और आधुनिक हथियार की कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी तक ईरान की इसराइल के लेबनान में मिलिट्री एक्शन पर कोई तीखी प्रक्रिया जाहिर नहीं की है। इसका वजह ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति पजक्शियन को माना जा रहा है जिन्होंने इस पूरे मसले पर अपना रुख नरम रखा है। लेकिन कब तक इस नरम रुख पर वो टिके रहते हैं यह देखने वाली बात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के कट्टरपंथी रूढ़िवादियों को उनका यह समझौतावादी रुख पसंद नहीं आ रहा है। अगर हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल अपना अभियान बढ़ाता है तो ईरान चुप बैठना मुश्किल होगा। गृहयुद्ध में उलझे सीरिया तक भी संकट की आंच पहुंचती दिख रही है। ऐसी खबरें हैं कि गुरुवार को सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इसराइल ने हवाई हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। वैसे यहूदी राष्ट्र अक्सर सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम देता रहा है। उसका दावा है कि ऐसा वह यह कार्रवाई हिजबुल्ला के खिलाफ करता है। मीडिया रिपोर्ट की माने लेबनान में इजरायली मिलिट्री एक्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग सीरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच इराकी सिया मिलिशिया कताइबा हिजबुल्ला ने एक बयान के बाद यह आशंका उभर आई है कि क्या इराक और इसराइल के बीच भी संघर्ष शुरू हो सकता है। दरअसल कताइबा हिजबुल्ला ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने इराक पर हमला किया तो वह देश में मौजूद अमेरिकी सेना पर हमला करेंगे। मिलिशिया का दावा है कि इराकी एयर स्पेस में अमेरिका और इसराइल की तेज गतिविधियां देखी जा रही है। ये इराक के खिलाफ जायोनी यानी इसराइल अपने हमले की संभावनाओं को संकेतित कर रहा है। यमन के हूती विद्रोही पहले से ही इसराइल के खिलाफ है। गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ समर्थन जाहिर करने के नाम पर वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने इसराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मिलिट्री एक्शन भी उन्हें रोकने में सफल नहीं है। वहीं मध्य पूर्व के अन्य देशों में जनता की हमदर्दी हिजबुल्ला और विशेष रूप से हमास के साथ है। अरब देशों की सरकार पर लगातार इसराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव है जनता की ओर से बनाया जा रहा है। हाल ही में यहूदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल ने कहा कि पूर्वी यरूशलम राजधानी वाला एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के गठन में बिना सऊदी अरब इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। क्या क्राउन प्रिंस का ये बयान जनता के इसराइल के प्रति कठोर रुख अपनाने के दबाव के वजह से आया है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये दोनों मुल्क संबंधों को समान बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे संकट में अमेरिका और पश्चिम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका जहां एक तरफ शांति की अपील जारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसका इसराइल को भी वह खुलकर समर्थन देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गुरुवार को कहा कि उसे अपने चल रहे सैन्य प्रयासों का समर्थन करने और क्षेत्र में सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए अमेरिका से $8.7 बिलियन का समझौता पैकेज मिला है। पश्चिम की संदेहास्पद
भूमिका इस संकट को और भी पेचीदा बना रही है, उन पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दे रही है और पश्चिमी संकटग्रस्त मध्य पूर्व को भी अपना फायदा देखा जा रहा है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।